नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल जेठलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैजिक मैथ्स के इस अमेजिंग सेशन में। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम फिर से रेशियो और प्रोपोर्शनल की क्लास करेंगे। और आज रेशियो और प्रोपोर्शनल की हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो कल हमने इसकी पहली क्लास करी थी और जिसमें हमने रेशियो सीखा था, और आज हम कुछ रेशियो सीखेंगे और उसके बाद हम प्रोपोर्शनेट भी सीखेंगे, ठीक है। तो हम आज, जैसे आप देखते हो कि रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो कल हमने सीखा था कि कैसे हम, जब हमको एक अनुपात नहीं दिया होता है तो हम उस अनुपात को कैसे निकालते हैं। अगर दो दिए एक नहीं दिया तो हम उसको कैसे निकालते हैं ए बी सी में। तो हमने जो वो देखा था कि साइड वाले को हम साइड करके उसको तीसरा अनुपात, जो भी अपना अनुपात आता है, जो वो होता है, उसको हम निकालते हैं वैल्यू। तो उसी वैल्यू के आज हम और करेंगे। जैसे कल हमने तीन ए बी सी तक किया था, आज हम ए बी सी डी को करेंगे, कैसे हम चार प्रोपोर्शन, इसमें चार रेशियोज को की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम वो सीखेंगे। तो चैनल, अपने सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर सेशन को आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का कारण, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो सिक्वेंस में एक सिस्टमेटिक तरीके से जो आपको पढ़ाई मिलती है वो इस चैनल के यूट्यूब, इस चैनल के प्लेलिस्ट मेनू में फोल्डर बने हुए हैं टॉपिक वाइज। और हर फोल्डर में एक पर्टिकुलर टॉपिक की सारी क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से सारी क्लासेस कर लेते हैं तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आपको मिल जाएगी वो कल की क्लास, ठीक है। और हम अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जो आज की क्लास हम करेंगे, ठीक है। तो देखो, आज का हमारा क्वेश्चन है, कल हमने पांच तक के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू चलेंगे पूरी रेशियो प्रोपोर्शनल की क्लास में, ठीक है। तो कल हमने पांच तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमारा ये छठा क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज टू बी के दो इज टू तीन के बराबर है और बी इज टू सी की वैल्यू है थ्री इज टू वन और सी इज टू डी की वैल्यू है थ्री इज टू फोर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, यहां पर देखो हमको ए बी बी सी और सी डी दिया है। अब यहां पर हमको कंटिन्यू, जैसे कल हमको दिया था ए बी और बी सी दिया था, तो हमको ए बी सी का तीनों को निकालना था। अब हमको ए बी बी सी और सी डी तीनों दिए हैं और हमको जो निकालना है, हमको निकालना है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था कल कि हम लिखेंगे यहां पर ए इज टू बी क्या है, ए इज टू बी है टू इज टू थ्री, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे टू इज टू थ्री, ठीक है। उसके बाद बी सी क्या है, तो थ्री इज टू वन है, तो यहां हम लिखेंगे थ्री इज टू वन, ठीक है। और सी डी क्या लिख दिया है हमको, हमको सी डी दिया है थ्री इज टू फोर, ठीक है। तो थ्री इज टू फोर है, थ्री इज टू फोर, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको ये सारी वैल्यू दी है, यहां एक गैप है, यहां दो गैप है, यहां एक गैप है और यहां दो गैप है, ठीक है। तो जो ये गैप दिए ब्लैंक है, यहां की जगह पे हम क्या भरेंगे, तब देखो हमने कल क्या किया था कि जैसे यहां थ्री है तो यहां थ्री लिखेंगे। अब यहां देखो, यहां दो जगह खाली है, यहां दो जगह खाली है, तो हमको करना क्या है, जो बाजू वाले नंबर है कोई सेम लिखना है। जैसे यहां थ्री तीन है तो यहां भी तीन लिखना है, यहां भी तीन लिखना है। अगर यहां तीन है तो यहां भी तीन आएगा, यहां तीन आएगा, और यहां तीन है तो इसके बगल में तीन आएगा, और यहां एक है तो इसके बगल में एक आएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन पूरे जो ये है स्टेप्स, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप तीन तीन चौक बारह और एक, तो एक तो एक ही है, तो यहां आपका बारह आ गया, ठीक है। तीन तिया नौ, ठीक है। उसके बाद तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, आपका सत्ताईस आ गया। दो तिया छह और छह तिया अठारह, यहां पर आपका आ गया अठारह, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में हो सकता है कि ये वैल्यू मिले, ठीक है। ये अपना पूरा हमने इसको कर दिया एबीसीडी के किस रेशियो में है, ये पूरा एबीसीडी के रेशियो है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको आंसर में, जब क्वेश्चन आप एग्जाम में करो तो उस टाइम पर आपको क्या हो कि इनकी जगह पे कुछ और हो, ये ऑप्शन में मिले ही नहीं। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में, वो क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है, इसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये जिस एक सिंगल नंबर से जो भी ये डिवाइड होगा, तो अगर हम यहां देखते हैं तो ये तीन से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो
तो आपको उस संख्या से सभी को डिवाइड करना है तो आपकी छोटा हो जाएगी, ठीक है। वो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ दो काम नहीं करेगा क्योंकि 9 और 27 में दो काम नहीं करता और तीन सब में काम करेगा यहाँ पर। तो इसको आप कर सकते हो कि 3 6 18, ठीक है, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 4 12। तो हो सकता है कि आपका आंसर ऑप्शन में ये भी हो, आपको आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अगर ये दिया हो तो आपको ये टिक करना है, ये दिया हो तो आपको ये टिक करना है, ठीक है। जब ऐसे जब बड़ी वैल्यू आती है तो आपको उनको छोटी वैल्यू आपको देखना ये है कि कौन सा ऐसा नंबर जो है उस नंबर से ये सारे जो आपके नंबर है ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो उसी से करना है। अगर सारे डिवाइड एक नंबर से नहीं होंगे तो फिर आपका फाइनल आंसर वही होगा जो आपको ऊपर आया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है। ए इज टू बी की वैल्यू है आपकी 4:5 और बी इज टू सी की वैल्यू है 6:5 और सी इज टू डी की वैल्यू है 6:4, ठीक है। अब क्या है, अब आपको देखना है, अब आप जब लिखोगे इसको तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ठीक है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सेम कार्रवाई, ए बी 4:5 है, बी सी 6:5 है और आपका जो सी डी है वो है 6:4, ठीक है। तो आपको एक वैल्यू यहां चाहिए, एक वैल्यू आपको यहां चाहिए दो, उसके बाद एक वैल्यू यहां चाहिए और एक यहां चाहिए और यहां चाहिए, ठीक है, आपको यहां चाहिए ये वाला, ये 6:5 ए बी सी डी, ये कहां गया, सिक्स डी ठीक है, बी सी 6.6:5 6:5 है, ठीक है, और ये है 6:4, ठीक है। देखो अब आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, सेम कार्रवाई है, यहां पर 5 है तो इन दोनों जगह पे 5 आ जाएगा, यहां 5 है तो यहां 5 आ जाएगा और यहां 6 है तो यहां 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहां 6 तो दोनों जगह पे 6 आ जाएगा। अब इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो 6 4 24 और 24 6 144, ठीक है, यहां आपका आ जाएगा 144, उसके बाद 6 5 30 और 30 6 180, ठीक है, 30 6 180, उसके बाद आपका आ जाएगा 6 5 30 और 30 5 150, यहां आपका आ जाएगा 150, उसके बाद आपका 4 5 20 और 20 5 100। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे ये वैल्यू आपकी 2 से कट सकती है, ठीक है, यहां पे ये वैल्यू आपकी जो है 2 से हो सकती है, 3 से ये नहीं आएगा, 100 नहीं होगा, 150 हो जाएगा तो 100 नहीं होगा, 180 भी 3 से हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको 2 से कर दो, ये 2 से हो जाएगी। अगर आपको डिवाइड 2 से करते हो इसको तो ये आपसे को आपको मिलेगा ये 72 और आपको मिलेगा ये 90 और ये मिलेगा आपको 75 और ये मिलेगा आपको 50, ठीक है। देखो 90 72 90 75 50, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब ये इतनी होगी क्योंकि ये उससे नीचे जाएगी नहीं, ये 3 से नहीं होगी, 3 से इस ये नहीं होगा, ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा, 3 से 50 नहीं होगा, 2 से 75 नहीं होगा, ठीक है, 5 से ये नहीं होगा, मतलब कुल ये मिला के आपका आंसर ये आएगा, इन दोनों में से आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दिया है वो आपको टिक करना है, ठीक है। चले तो बस जो रेशियो में इतना ही है, बाकी हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, इनसे कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम ये जो ये मैंने आपको ये सिखाया कि आपको जो नहीं दिए होती वैल्यू को एक सिंगल फॉर्मेट में कैसे करना है, यहां पर ये था,
रेशियोस का। अब हम चलते हैं, यहां हमने रेशियो हमारा खत्म हो गया, अब चलते हम प्रोपोर्शन पे, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में देखो प्रोपोर्शन क्या है, अब हमारा चलेगा प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, ठीक है, समानुपात चलेगा। तो समानुपात क्या होता है, पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि समानुपात क्या होता है, ठीक है। समानुपात क्या होता है, दो अनुपात के संबंधों को समानुपात कहते हैं, ठीक है। दो जब दो होते हैं, दो अनुपात होते हैं और उनमें आपस में रिलेशन होता है, उस टाइम पर उसको हम क्या बोलेंगे, उसको समानुपात बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी किया था रेशियो, अब दो जब रेशियो का ग्रुप बनता है और उनमें एक रिलेशन होता है, एक कुछ ऐसी चीज होती है दोनों में कॉमन होती है, तो वो उसको बोलते हैं समानुपात, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में बताता हूं रिलेशन, ये बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, रिलेशन बिटवीन टू रेशियोस, ठीक है। जब दो रेशियो के बीच में रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, ठीक है। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन, ठीक है। दो रेशियो के रिलेशन को प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कैसा, मतलब एग्जांपल देखो, जैसे ये है ए इज टू बी और सी इज टू डी, ठीक है। तो जब ये यहां पर लगा रहेगा, जैसे यहां पर हम रेशियो में एक दो ये बिंदी लगाते हैं बीच में, अब समानुपात में क्या होगा, यहां पर दो बिंदी आएगी बीच में, ठीक है। मतलब यहां पर ये हो गया खत्म एक, और यहां पर ये खत्म हो गया, तो ये चार बिंदु को हम समानुपात बोलेंगे। ये क्या दर्शाता है, एक रिलेशन दर्शाता है इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जो रिलेशन इसके साथ है वही रिलेशन इसके साथ भी होगा, ठीक है। अब इसमें कौन सी वैल्यू होगी कौन सी वैल्यू नहीं होगी, वो हम कैसे आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमको कैसे निकालनी है। अच्छा दूसरी चीज, जैसे इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलेंगे सेकंड, और इसको बोलेंगे थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। जैसे ये है अपना फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये है सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, और ये हमारा है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन, अब इनको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, इसमें हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रथमानुपाती, ठीक है। ये आएगा प्रथमानुपाती, ये क्या आएगा द्वितीयानुपाती, ठीक है। ये होगा द्वितीय अनुपाती, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, ये होगा तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती, और ये क्या है हमारा चतुर्थानुपाती, ठीक है। ये हमारा चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि इनके रेशन कभी कभी क्या होगा, हमको बी नहीं दिया होगा, कभी सी नहीं दिया होगा, कभी डी नहीं दिया होगा, और एक और चीज आएगी इसमें कभी, जैसे कि कभी हमको बोलेंगे ए इज टू बी इज टू बी इज टू सी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि दो दे देंगे, यहां पर दो एक जैसी संख्या देंगे, तो उस तब हम क्या बोलेंगे उसको, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन और इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है।
ये फर्स्ट होगा और ये थर्ड होगा, और ये जो होगा ये इसको हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मध्यानुपाती, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, कभी मीन प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, कभी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, तो उस केस में ऐसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन जो होता है दो रेशियो के संबंधों को प्रोपोर्शन कहते हैं हम, रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज इज प्रोपोर्शन, ठीक है। दो अनुपात के संबंधों को हम समानुपात कहते हैं। समानुपात के चार ये होते हैं, देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, और हिंदी में बोलते हैं प्रथमानुपाती, दूसरे को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, और हिंदी में बोलते हैं द्वितीयानुपाती, और थर्ड को बोलते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन और यानी तृतीयानुपाती, और फोर्थ को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपाती, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है इनमें जिसमें हमको ऐसे दिया होगा जो दो वैल्यू इस बीच में, दो वैल्यू एक जो एक जैसी होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उस वो हमको कभी कभी निकालना होगा कि मध्यानुपाती निकालो, कभी बोलेगा थर्ड ये निकालो, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं कि कैसे इनके हम फाइंड करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन मैं देता हूं अभी सैंपल के तौर पे, 3:6:8:x, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम इनको, और एक बताता हूं, 18:27:24:x, ठीक है। अब हमको क्या है, यहां पर हमको फोर्थ निकालना है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। यहां जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको आपको बोलेगा कि आपको चतुर्थ अनुपाती निकालना है यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो आप इसमें देखो, इनको निकालने का तरीका क्या है, या तो हम इनका लॉजिक लगा सकते हैं, अगर अपना कैलकुलेशन दिमाग ठीक चलता है, कैलकुलेशन आपका बढ़िया है, तो कैलकुलेशन अगर आपने मुझसे पीडीएफ ले ली, तो इंस्टेंट पीडीएफ, और आपने उससे पढ़ाई कर ली और आपका कैलकुलेशन अच्छा हो गया, तो आप कैलकुलेशन क्या करोगे, आप इस कैलकुलेशन कर दोगे तुरंत, इसको आपको पता चल जाएगा कि यहां पर अगर हम देखें तो ये इंटू टू है, और तो हमको यहां पर भी इंटू टू करेंगे, और ये जो आठ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 16 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 3 × 2 = 6 और 8 × 2 = 16, तो यहां पर रिलेशन यह क्या है, इंटू टू का रिलेशन है दोनों में, ठीक है, ये रिलेशन है, ऐसे निकालेंगे, मतलब ये तो लॉजिक है। अभी निकालना कैसे है, कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कैसे निकालेंगे, ये तो लॉजिक, अपना दिमाग टाइम पे चल गया तो ठीक, उस टाइम पर तो हमने निकाल दिया, अगर दिमाग नहीं चला तो फिर कुछ कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए उससे निकाल पाए हम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 18 क्या है, ये 1.5 बोल सकते हैं इसको, और इस तो उसी हिसाब से इसको भी बोल देंगे हम 1.5, तो जब 24 का 1.5 क्या होगा, तो ये होगा 36, ठीक है, ये 36 होगा। अब यहां पर बारी आती है निकालने के लिए, हम इनको निकालेंगे कैसे, ठीक है, हम इनको निकालेंगे कैसे, देखो ये हमारा ए बी सी डी है, a:b:c:d है, ठीक है, यानी कि a जो है 3 है, b 6 है, c d 8 है, और जो d हमारा x है। तो मैंने जैसे आपको कल बताया था कि हम जो रेशियो को है, रेशियो को 1/2 में लिख सकते हैं, p / q के फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि a / b और c / d, ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। और हम मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। तो बस आपका फॉर्मूला ये है इसके हिसाब से, ठीक है, हमको ऐसे करना है, लेकिन इसका फॉर्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी देखो, आप लिख दो a की जगह पे 3 का इंटू किससे होगा, d से, तो आप यहां पर कर दो x, और 6 का इंटू 8 से होगा, तो 6 × 8 हो जाएगा, तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 × 8/3, ठीक है। तो कैसे आएगा ये, आप इसको 3 से इसको
दो बार काट सकते हो और आपका 8 दूनी 16, यानी कि ये आपका आंसर, ये 16 ये 16, ठीक है। ऐसे आपका आंसर आप निकाल सकते हो। इसको भी देखो, इसको अगर हम देखेंगे तो ये है आपका a:b:c:d, ठीक है। तो आप इसको जब ऐसे लिखोगे कि a:d के फॉर्म में, a:d और b:c, तो a क्या है आपका, a है आपका 18 इक्वल टू 18 इंटू एक्स आएगा और आपका 27 इंटू 24 आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 इंटू 24 अपॉन 18, ठीक है। तो आप देखो 18 को आप 6 से काट सकते हो, दो बार, 3 बार, 6 से नहीं, इसको काट सकते हैं आप 9 से, 9 से 2 बार काट सकते हो और इसको 9 से 3 बार काट सकते हो, ठीक है। और इसको दो दो को इससे काट सकते हो कितनी बार, 12 बार। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 12 या 36। तो आप ये देखो, ये 36 है और ये भी 36 है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 8वां, ठीक है। 8th क्वेश्चन है 15:45:18:x, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, और इसमें आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 58 b 56 c 52 और d 54, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। अब देखो कैसे निकालोगे, आपको करना है a:d और b:c आएगा, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा आपका, 15 इंटू x इज इक्वल टू 45 इंटू 18, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 इंटू 18 अपॉन 15। अब आप इसको देखो, 15 से ये 3 बार कट जाएगा और आपको आ जाएगा यहां पर 3 18 54, यानी कि 54 आपका आंसर आ जाएगा, जो आप ऑप्शन उसमें देख सकते हो, ठीक है। और आप यहां भी इसको देख सकते हो, ये इंटू 3 है सीधा, और इस जब इसको इंटू 3 करोगे तो ये भी 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 54 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9, 12:18:9:x, ठीक है। ऑप्शन है आपके a 12 b 13.5 और c 15 और d जो है 18, ठीक है। कैसे करोगे, कार्रवाई सेम, आपको a:d करना है, a:d इज इक्वल टू b:c, ठीक है। तो a:d क्या हो जाएगा आपका, 12 इंटू x और क्या हो जाएगा, 12 इंटू 18, ठीक है। अब आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की, अरे ये 12 18 इंटू 9 18 इंटू 9 बी की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो आपका है ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 18 इंटू 9 और अपॉन में 12, ठीक है। और इसको ऐसे भी आप लॉजिक से देख सकते हो, आपको ये दिख रहा होगा 1.5 है ये, इंटू 1.5, तो जो 9 का इंटू करोगे आपको 1.5, तो ये आपका आएगा 13.5, ठीक है। अब देखो 12 से ये 12 गया 9 बार, ये 9 गया 3 बार और ये 12 गया 4 बार 3 से, ठीक है। उसके बाद देखो ये 4 से 18 कितनी बार जाएगा,
9 और 4.5 यानी कि 4.5, ठीक है। तो 4.5 का मल्टीप्लाई जब आप 3 में करोगे तो क्या आएगा आपको, 4 किया 12 और 3 × 0.5 मतलब 1.5, तो 12 और 12 प्लस 1.5 यानी कि 13.5, तो आपका आंसर जो है वो 13.5 आ जाएगा, यानी कि बी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 6:21:5:x, ठीक है। ऑप्शन है इसके ए बी सी और डी। ऑप्शन 15, 15.5, 17.6, 17.5 और 16, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आप देखो a इंटू डी यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो 6 × x = 21 × 5, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 21 × 5/6, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो 6 से। अब आप इसको देख भी सकते हो कि यह कितना गुना है, यह कितना गुना है, 6 21 मतलब 6 3 18 और 1.5 यानी कि 3 × 3.5 है। तो आप इसका जब × 3.5 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 3 15 और 17.5, तो आपका सी ऑप्शन है। अभी इससे भी कर लेते हैं, ठीक है। आपका 6 गया कितनी बार, 2 बार 3 से, और ये गया 7 बार, और ये 2 गया 2.5 बार, 2.5, ठीक है। आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से तो आपको मिलेगा 17.5, ठीक है। ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो और एक अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 and 8, ठीक है। ऑप्शन है आपके ए बी सी डी, 15, 15.5, 17.5 और 16। अरे ये गलत ऑप्शन है, दूसरे के लिख दिए। ऑप्शन आएंगे आपके इसमें ऑप्शन ए बी सी और डी, 14, 10 और 12 और 16, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब मीन प्रोपोर्शन निकालना है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि हम जब इनका प्रोपोर्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शन में फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड द्वितीय, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन भी मैंने बताया था जिसमें ए और बीच में 2 बी होते हैं और साइड में सी होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये क्या है हमारा,
ये हमारा क्वेश्चन है ए इज टू बी और बी इज टू सी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है। अब हमको ए की वैल्यू दी है यहां पर 18, ठीक है, ये हमारा 18 है, और ये जो हमारा है बी है, ये क्या है, ये बी हमारा, ये है सी अपना बी 8, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये है फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये हमारा है सेकंड प्रोपोर्शन, और ये जो दोनों है ये है मेन प्रोपोर्शन। तो ये जो हमको वैल्यू निकालनी है अभी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये ए है और यहां की वैल्यू हमको दी हुई है बी, और बी इज टू सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सी की जगह पर हमको दिया हुआ है 8, ठीक है 8। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो ये है, अब इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, इसका करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जैसे हम ए बी में करते हैं और सी डी में करते थे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमारे हमको मिलेगा 18 इंटू 8 और बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बी हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बी का इंटू बी से करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दो आप 18 का, ठीक है, 18 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो 18 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 144। तो 144 हम बी की वैल्यू आ गई आपकी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 144। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट 144 आ जाएगी, और रूट 144 किसका होता है, यानी कि 12 का, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये क्या चलेगा, हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 12 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो गया। मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकालेंगे, जो बीच वाली वैल्यू मिलेगी आपको उसको, वो स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर जब हटेगा तब उसका जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो कुछ ऐसी संख्या होगी जो किसी का रूट हो, ठीक है, किसी का स्क्वायर हो। चलिए क्वेश्चन 12। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी हमने मेन प्रोपोर्शन निकाला था, अब हमको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 24, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इनके ऑप्शन है ए बी सी डी, 32 36 और 30 और 28, ठीक है। देखो अब आपको पता है कि हमको दिया क्या है, जब मीन प्रोपोर्शन हमको ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है तो इसका मतलब पता है क्या है, ये जो 24 है ये हमारा बी होगा, यहां पर ए इज टू बी इज टू बी इज टू बी इज टू सी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है और ये हमारा मीन है, ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शन है और ये जो है आपका थर्ड प्रोपोर्शन है। तो आपको सी निकालना है बेसिकली। तो आपको क्या दिया है, ए की जगह पे आप डालोगे 16, ठीक है, 16 इज टू 24 इज टू 24 और सी, ठीक है। तो यहां पर 24 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये 16 इंटू सी इज इक्वल टू 24 इंटू 24, ठीक है, ये 24 इंटू 24 हो जाएगा। तो इसको आप स्क्वायर मत लिखो, ऐसे लिख दो, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 24 इंटू 24 और अपॉन में आ जाएगा 16, ठीक है। अब आप इसको एक काम करो, इसको आप करो 16 से इसको काट दो, ठीक है। तो 8 से देखो ये कितने बार जाएगा,
आठ से ये जाएगा दो बार, आठ से दो बार, और ये जाएगा आठ से तीन बार, और ये जो दो है ये 12 हो जाएगा, दो से, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 12 या 36। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन बी 36 करेक्ट आंसर है। तो ये मेथड था हमारा थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने मीन प्रोपोर्शन सीखा, उसके बाद हमने थर्ड प्रोपोर्शन सीखा, और आज हमने प्रोपोर्शन एबीसीडी को अरेंज करना सीखा, और हमने रेशियो में चार रेशियोस का जो लगाते हैं वो सीखा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास मजे आए होंगे, समझ में आई होगी, अच्छी क्लास, बढ़िया क्लास हुई आज की, ठीक है। अगर आपको, आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और वापिस हम कल मिलेंगे, तब तक आप इतने हिसाब से और प्रैक्टिस करो इनकी, दोबारा देखो क्लास आपको समझ में नहीं आया हो तो, और अपने हिसाब से नंबर लेके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो कल हम वापिस नई क्लास के साथ अपना सब्जेक्ट के अगले और एडवांस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।